दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ में हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारण जो भी आप कंपनी में काम कर रहे थे उसे आपने छोड़ दिया है। छोड़े हुए करीबन 7 दिन हो चुका है और आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ 31 मेंशन हो चुका है, लेकिन जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, उसे पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपको दूंगा ताकि आपका 100% जो भी आपका पैसा होता है वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, किसी भी प्रकार से क्लेम वगैरह आपका रिजेक्ट ना हो सके, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से ही अपना पीएफ अकाउंट में पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 भर सकते हैं, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भर सकते हैं। आपको किसी भी दुकान पे या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉप पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी 1 रुपया भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके आप सर्च करते हैं, उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उसे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है, देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उसे दूसरा कॉलम में फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल गया होंगे तो फिर आपको नया पासवर्ड बनाना होगा, उसके लिए नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपना एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा। तो सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहाँ पे एक एसएमएस आया होगा, उस एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होता है, तो जो भी 6 डिजिट का ओटीपी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ई नॉमिनेशन को लेकर के एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, अगर आप इस अलर्ट को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे आपको क्रॉस करना होगा, उसके लिए ऊपर क्रॉस का आइकन है तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर नीचे लेटर का ऑप्शन है तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लॉग इन कर लीजिए। चले अब यहाँ पे पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 या फिर 10C किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कुछ बातों का आपको देखना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना सर्विस से चेकआउट कर लेना है कि आपका डेट ऑफ एक्स मेंशन है या नहीं, दूसरा आपका केवाईसी चेकआउट करना होगा कि आपका सभी केवाईसी अपडेट है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विस से किस प्रकार से चेकआउट करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखिए व्यू का एक ऑप्शन है, तो आपको व्यू पर क्लिक करना है, देन यहीं पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो आपको सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि मैंने 2 कंपनी में काम किया हूं, तो 2 मेंबर आईडी और 2 कंपनी का यहाँ पे नाम नजर आता होगा। तो मेरे लिए यहाँ पे 2 चीज आपको चेकआउट कर लेना है, पहला तो जो भी आपका प्रेजेंट कंपनी है, जो सबसे नीचे में होगा वही आपका प्रेजेंट कंपनी है, इसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, या फिर जितना भी कंपनी में आपने काम किया सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए DOE नजर आता होगा, पीएफ वाला, और यहाँ पे पेंशन वाला, हम देख सकते हैं दोनों कंपनी में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि मेरे केस में 2 कंपनी है, आपके केस में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो जितना भी आपका पुराना कंपनी होगा उसका पैसा आपको नया कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना, जिसको हम पीएफ ट्रांसफर कहते हैं, तो पीएफ ट्रांसफर आपको कर लेना है। फिर से समझ लेते हैं, जैसे कि आपके केस में जितना भी पुराना कंपनी होगा, जैसे कि 2 कंपनी होगा, 3 कंपनी होगा या फिर 4 कंपनी होगा, जो भी आपका पुराना कंपनी है उसका पैसा आपको नया वाला नीचे वाला जो यहाँ पे लेटेस्ट जो सबसे नीचे में होगा उसमें आपको ट्रांसफर कर देना है। अगर ट्रांसफर नहीं किए होंगे तो सबसे पहले कर लीजिएगा, अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो पुराने कंपनी का जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है या फिर पीएफ का पैसा होता है वो आपका फंस जाएगा, नहीं निकास होगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर लेना है सभी कंपनी में,
ट्रांसफर नहीं किए हुए तो पुराना कंपनी का पैसा नया कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है, इतना यहाँ पर आपको चेक करना है। उसके बाद एक बार आपको केवाईसी चेकआउट कर लेना है कि आपका केवाईसी अपडेट है या नहीं। उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। देन यहीं पे तीसरा ही ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, यहाँ से आप केवाईसी को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पे बैंक पेन और पासवर्ड को वैसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको चेकआउट करना है, नीचे देखिए करेंट एक्टिव केवाईसी नजर आता होगा, उसी के नीचे आपका जो भी केवाईसी अपडेट होता है जैसे कि डॉक्यूमेंट में टैप में यहाँ पे देखिए बैंक नजर आता होगा। मेरे केस में केवल अभी दैट टाइम पे बैंक केवाईसी और आधार केवाईसी अपडेट है, पैन केवाईसी अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आपका पैन केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो आपको अपडेट भी कर लेना है। किस कंडीशन आपको अपडेट करना है वो आगे मैं आपको समझा देता हूँ, कब जरूरत पड़ता है पैन केवाईसी अपडेट करना। मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं कर पड़ रहा है वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बैंक केवाईसी पैन केवाईसी अपडेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो सबसे पहले आप बैंक केवाईसी पैन केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना चेकआउट कर लेने के बाद चले अब आपको क्लेम फॉर्म किस प्रकार सबको सबमिट करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे स्टेटस में आपका वेरीफाई ऑनलाइन में बैंक या तो फिर यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ आना चाहिए या फिर अप्रूव लिखा हुआ आना चाहिए। अगर रिजेक्टेड होगा तो फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लेम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले देखिए ऑनलाइन सर्विस नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जितना भी फॉर्म फिलअप होता है, चाहे आपका फॉर्म 31 हो, 19 हो, 10C हो या फिर 10D हो, वो पहला ही ऑप्शन के अनुसार फिलअप होता है। तो पहला ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मेंबर का डिटेल होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ से भी केवाईसी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आधार नंबर यहाँ पर नजर आता होगा, आधार केवाईसी अपडेट है। और यहाँ पे देखिए पैन नंबर, यहाँ पे पैन केवाईसी अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए NA लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपके केस में अपडेट होगा तो पैन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर जो बैंक केवाईसी था ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है। अब यहाँ पे जो भी आपका PF अकाउंट है बैंक केवाईसी अपडेट है उसे आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं उसके फाइनली जो आपका बैंक अकाउंट नंबर था वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए आपको एस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर के सामने यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है, तो आपके केस में भी ग्रीन टिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट वगैरह होता है, कब आपने ज्वाइन किया था वो शो हो जाता है, डेट ऑफ लिविंग यहाँ पर नजर आता होगा, कौन सा आपने एग्जिस्ट रीजन सेलेक्ट किया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, और यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेनली चार फॉर्म आपके पास नजर आता होगा, लेकिन अगर आपके पास एक ही फॉर्म नजर आता होगा लास्ट वाला PF एडवांस फॉर्म 31, तो इस कंडीशन में आपका PF अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कीजिएगा, तभी जो ऊपर में जो तीन फॉर्म यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ रहा है ये तभी आएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको PF का पूरा पैसा निकासी करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 19 आपको फिलअप करना होगा। तो एक बार मैं आपको पासबुक दिखा देता हूँ, जैसे कस्टमर देख सकते हैं जो भी मेरा PF का पासबुक था उसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन आपका PF का बैलेंस होता है। तो PF का बैलेंस में दो बैलेंस होता है, सबसे पहले जो आपका सैलरी से 12% में जमा होता है उसे कहा जाता है इम्प्लॉय शेयर। इम्प्लॉय शेयर में देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर नजर आता होगा 29,460 रुपया। देन जो कंपनी जमा करता है PF में उसको कहा जाता है इम्प्लॉयर शेयर। इम्प्लॉयर शेयर मेरे केस में कितना है यहाँ पे देखिए 9,643 रुपया, लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी PF का पैसा दोनों कॉलम का जोड़ दीजिएगा, जितना भी अमाउंट हो जाता है वो आपका PF का पैसा होता है। तो मेरे केस में कितना है PF, लगभग 40,000 के आसपास है, ठीक है। इसी पैसा को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए ये दो जो कॉलम है, एक कॉलम और एक कॉलम, दोनों कॉलम में जो भी आपका पैसा है इसे निकासी करने के लिए फॉर्म 19 फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म 19, PF का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे फॉर्म 19 आप सबसे पहले सिलेक्ट कीजिएगा, देन देखिए मेरे केस में यहाँ पे कुछ अलर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अलर्ट में इसलिए आ रहा है, ये जो अलर्ट है वो इसलिए आया है क्योंकि मेरे केस में पैन केवाईसी अपडेट नहीं था, जैसे कि मैं आपको केवाईसी वाला सेक्शन में भी दिखा चुका हूँ। तो पैन केवाईसी कब यहाँ पे केवाईसी अपडेट किया जाता है, पैन कार्ड जो केवाईसी होता है वो कब मैंडेटरी होता है वो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एज योर सर्विस इज लेस देन 5 ईयर, अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और योर पैन डिटेल आर नॉट अवेलेबल अंडर यूनिफाइड पोर्टल इनकम टैक्स एट द हाइएस्ट स्लैब, यहाँ पे देख सकते 34.6% इलिजिबल टू द डिडक्टेड इफ योर सेटलमेंट अमाउंट क्रॉस द 50,000। सिंपल से समझ लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और जो भी आपका PF का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से ज्यादा होगा, जैसे 60,000, 70,000, 1,00,000, 2,00,000 होगा और उसे पूरा का पूरा निकासी कर रहे हैं, आपका PF अकाउंट पैन केवाईसी अपडेट नहीं है, तो फिर कितना कटेगा TDS वो देख सकते हैं यहाँ पे 34.6% तक आपका TDS कट जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे पेन को वैसे आपको अपडेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होगा और सर्विस पीरियड 5 साल से कम होगा तो फिर आपको पेन को वैसे अपडेट कर लेना है। लेकिन वही अगर आपका अमाउंट जो भी पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से कम होगा, जैसे कि मेरे केस में 40,000 था और सर्विस पीरियड भी मेरा 5 साल से कम ही है, तो मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे काफी सारे डिटेल आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहला डिटेल में यहाँ पे देखिए अपलोड फॉर्म 50G, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फॉर्म 50G भी भरा जाता है। दो चीज आपको मैंडेटरी यहाँ पे फिलअप करना होता है, सबसे पहले तो आपका पेन केवाईसी और दूसरा फॉर्म 50G। कब आपको फॉर्म 50G भरा जाता है और साथ ही साथ कब आपको पेन केवाईसी अपडेट किया जाता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। दोनों का जो कंडीशन है सेम ही है, दोनों का एक ही रूल है, ठीक है। अगर आपका जो भी पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से ज्यादा होगा, ठीक है, और जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो अगर आपका 5 साल से कम है, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्म 50G भर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे पेन केवाईसी भी आपको अपडेट कर लेना है। फॉर्म 50G किस प्रकार से भरा जाता है उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे केस में जो पीएफ का पैसा था केवल 40,000 के आसपास ही था, तो मुझे यहाँ पे पेन केवाईसी की भी जरूरत नहीं पड़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म 50G भी भरने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो मैं इसे स्किप कर दूंगा, ठीक है। देन नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एम्प्लॉयर एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस होता है आधार कार्ड पे या फिर कहीं भी जाकर कर रहे हैं तो वहां का भी एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। तो एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे विलेज का नाम दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो भी आपका सिटी का नाम होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। देन जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा उसे यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए स्कैन चेकबुक या फिर पासबुक यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कुछ पीएफ मेंबर के पास ये ऑप्शन नहीं आता, हट गया है डायरेक्टली, यहाँ पे कैंसल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस व्यक्ति में ये जो केवाईसी वगैरह था पहले ही अपडेट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आपका केवाईसी अभी लेटेस्ट में अपडेट हुआ होगा तो फिर आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास अपलोड करने की जरूरत पड़ रहा है तो जो भी आपके पास कैंसिल चेक या फिर पासबुक है उसे आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए जो भी इसका साइज होता है 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में आपको रखना है और सिंपल से एक इमेज में जेपीजी में होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आप जेपीजी या फिर इमेज में आप अपलोड कर रहे हैं उस पर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, जो भी आपका नाम है वो सही से विजुअल होना चाहिए। तो चूज फाइल पर जाकर के आपको अपलोड कर लेना। अपलोड हो जाने के बाद एक बार व्यू पर क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे व्यू हो जाएगा तो सही से आपका अपलोड हुआ है, अगर सही से अपलोड नहीं होता है दोबारा से साइज वगैरह मेंटेन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पर कोड डिजिट नजर आता होगा, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ का पैसा था उसे निकासी करने के लिए जो भी आपने फॉर्म 19 आपने अप्लाई किया वो फाइनली यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नजर आता होगा पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, तो फाइनली जो भी आपका फॉर्म 19 था वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे एक बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक है पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया पीएफ का पूरा पैसा और साथ ही साथ जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा होता है वो, चाहे आपका इंटरेस्ट का पैसा अपडेट हुआ हो या फिर नहीं होगा, इंटरेस्ट का पैसा जोड़ करके ही आपको पीएफ के अमाउंट में जुड़ जाता है, उसके बाद ही सेटलमेंट किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए जो भी अगला जो पैसा बचता है यहाँ पे पेंशन का पैसा बचता है, देख सकते हैं यहाँ पे पेंशन शेयर नजर आता होगा। अब इस पैसा को निकासी करने के लिए जैसे कि मेरे केस में है 19,916 रुपया है, तो इस पैसा को निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भरा जाता है। दोनों का जो फॉर्म 19 और 10C होता है लगभग सब कुछ सेम ही प्रोसेस होता है। चलिए फॉर्म 10C किस प्रकार से भरा जाता है उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि 100% जो भी आपका पैसा होता है एक बार में निकासी हो सके, आपका पैसा वगैरह फंसे ना, ठीक है। तो चलिए फॉर्म 10C किस प्रकार से भरना है उसके लिए आपको दोबारा से सेम पेज पर आपको आ जाना है। नीचे यहाँ पर नजर आता हूँ आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसी पर आपको दोबारा सबको क्लिक करना है। अभी आपने पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपने सिलेक्ट करके और फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म 10C भरा जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, एक फॉर्म 10C यहाँ पे नजर आता होगा, नीचे भी देखिए यहाँ पे फॉर्म 10C नजर आता होगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए स्कीम सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है फॉर्म 10C, दोनों के लिए फॉर्म 10C भरा ही जाता है, ठीक है।
यहाँ पे गलती से आपको यहाँ पे जो स्कीम सर्टिफिकेट वाला फॉर्म 10C है जो तीसरा नंबर में है, इसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरा चीज होता है, इसके बारे में कभी डिटेल में आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको पेंशन का पैसा आपको बैंक अकाउंट में लेना है, उसके लिए आपको दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो देख सकते हैं सेम डिटेल यहाँ भी आपको फिलअप करना है, देख सकते हैं यहाँ पे सेम डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस आपको देना होगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड पे है या फिर जहां भी आप रह रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे दे दीजिए, विलेज का नाम और यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होता है उसका नाम, यहाँ से स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने उसमें भरा था तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। देन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम, उसके बाद जो भी है आपका सिटी का नाम है, एरिया पिन कोड नंबर, उसके बाद जो भी आपने फॉर्म 19 भरते समय आपने कैंसिल चेक या फिर पासबुक दिया होगा उसे आपको यहाँ पर दोबारा से आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे ऊपर में देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आता होगा पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब चलिए टाइम टू टाइम आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है तो वो किस प्रकार से चेकआउट कीजिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे शो हो जाता है, दो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है फॉर्म 19 और 10C, यहाँ पे दो ट्रैकिंग आईडी नजर आता होगा। फॉर्म टैप में यहाँ पे फॉर्म 10C और फॉर्म 19 यहाँ पे फिलअप हुआ था, सबसे पहले फॉर्म 19 फिलअप हुआ है तो नीचे फॉर्म 19 देन ऊपर में फॉर्म 10C यहाँ पे नजर आता होगा। उसके बाद जो भी आज का डेट और टाइम होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है और करेंट स्टेटस अभी देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, तो दैट टाइम पे जो भी आपका क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। उसके बाद जो भी आपका क्लेम फॉर्म होता है वो आपका रीजनल पीओ ऑफिस चला जाता है, पीओ ऑफिस जाने के बाद ही वहाँ पे जो भी फील्ड ऑफिसर होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, चेकआउट करते हैं, सब कुछ सही हो जाने के बाद जो भी आपका पैसा होता है लगभग 5 से 10 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, करीबन 5 से लेकर 15 दिन या 10 दिन तक वेट कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका पैसा होता है वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू पीडीएफ फाइल के नीचे ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट में लॉग इन होकर जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है उसे निकासी करने के लिए फॉर्म 19 देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको बताया और जो भी इस वीडियो में एक्स्ट्रा जानकारी दी हो उस जानकारी को रखते हुए आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा 100% आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आता होगा, कोई भी दिक्कत आता होगा तो डायरेक्ट कॉमेंट कीजिएगा, जो भी उसका सोल्यूशन होगा मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ उसका मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।